अमर, आज मेले में आकर कितना अच्छा लग रहा है। उधर देखो, अनेक झूले हैं। चलो झूला झूलते हैं। इधर भी एक झूला है, इसमें झूलते हैं, लेकिन पहले गुब्बारे खरीदते हैं। मैं 3 गुब्बारे लूंगा। मुझे तो एक खिलौना खरीदना है। मेरे पास तो घर पर अनेक खिलौने हैं, लेकिन मिट्टी के हाथी बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं एक हाथी खरीद लूं? हाँ, चलो खरीदते हैं। समर, मीनू, कैसे हो? मेला घूमकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेले में क्या क्या देखा? झूले, खिलौने, कठपुतली का खेल और मदारी के करतब देखे। मैंने 3 गुब्बारे भी खरीदे हैं। एक गुब्बारा 2 रुपए का है। मैंने एक खिलौना खरीदा और एक झूला भी झूला। वहाँ अनेक खिलौने थे। एक दुकान में मिट्टी के अनेक हाथी थे। मैंने मिट्टी का एक हाथी भी खरीदा। तुम दोनों ने तो बातों बातों में एक और अनेक बताने वाले शब्द भी बोल दिए। कैसे? समझाता हूँ। एक झूला, अनेक झूले। एक गुब्बारा, 3 गुब्बारे। एक हाथी, अनेक हाथी। एक खिलौना, अनेक खिलौने। ये शब्द बता रहे हैं कि कुछ वस्तुएं एक हैं और कुछ एक से अधिक अर्थात अनेक हैं। एक या एक से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन से व्यक्तियों, प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्या अथवा गिनती का बोध होता है। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। आओ कुछ शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूपों के बारे में जानें। एकवचन, बहुवचन। छाता, छाते। घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के। केला, केले। संतरा, संतरे। चूहा, चूहे। झंडा, झंडे। जूता, जूते। ताला, ताले। पंखा, पंखे। चाबी, चाबियां। गाड़ी, गाड़ियां। नदी, नदियां। साड़ी, साड़ियां। घड़ी, घड़ियां। आँख, आँखें। कहानी, कहानियां। माला, मालाएं। लता, लताएं। चादर, चादरें। आओ दोहराएं। कुछ शब्द वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या बताते हैं। संख्या या गिनती को बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं।